गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपने घर में सभी सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वेरिकोसील क्या होता है, कि जो स्क्रोटम होता है मेल का, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके जो टेस्टिस हैं उसके ऊपर जैसे कि कीड़े होते हैं तो पतले पतले से ऐसे धागे जैसे स्लिपरी सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देती हैं बहुत सारे, तो उसी को हम मेनली बोल देते हैं वेरिकोसील। इसको डिटेल में समझेंगे कि वेरिकोसील क्या होता है, ठीक है, ये किस वजह से हो जाता है एंड इसके डायग्नोसिस क्या है, कैसे इसको पहचान सकते हैं। तो वो तो बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बता दिया, अगर एडवांस स्टेज पे है तो वो अपने आप पता चल जाएगा, जैसे कि कीड़े की जैसी संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है, दिखाई नहीं मतलब वो महसूस होंगे अगर टच करेंगे तो। एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या सर्जरी बेटर है या फिर दूसरी टेक्निक भी है जिसके थ्रू इसको ठीक किया जा सकता है, तो बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे। एंड अगर आपने पहले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं मेल डिजीज के नाम से, मेल प्रॉब्लम के नाम से, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है या फिर जहाँ पे आप कमेंट्स करते हैं वहाँ पे भी लिंक है, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, जैसे टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है, टॉर्सन क्या होता है एंड एपिडाइडमाइटिस क्या होता है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना दिए हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए जानते हैं पहले इसकी की होती कहाँ है। तो देखिए, ये मैंने बनाई है टेस्टिस, एपिडाइडमिस एंड ये है क्या, जो वास डिफरेंस, राइट, जो कि स्पर्म को यहाँ से लेके जाती है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ब्लड वेसल्स होती हैं, वो वेसल्स भी होंगी जो कि ब्लड को टेस्टिस के अंदर लेके आती हैं, वो भी होंगी जो यहाँ से जो ब्लड है उसको किडनीज तक और ऑर्गन्स तक, हार्ट तक लेके जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बना रही हूँ रेड से, ये जैसे कि आर्टरी है, मतलब जो कि ब्लड को लेके आती है, ठीक है। इस तरीके से ये इसके अराउंड रैप होती हैं, तो जो स्पर्मेटिक कोड होता है उसके चारों तरफ लिपटी हुई होती हैं। अब इसी तरीके से जो वेन्स होती हैं, वेन क्या करती हैं कि ब्लड को टेस्टिस से ऊपर लेके जाती हैं, बॉडी के ऊपर वाले हिस्सों में लेके जाती है, ठीक है। तो ये होती है वेन। नॉर्मली ये मतलब कैसे होती हैं, बिल्कुल पतली पतली सी होंगी, ठीक है। बट अगर किसी को क्या है, वेरिकोसील है, तो ये जो वेन्स होती हैं वो वेन्स क्या कर जाती हैं, बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। अब वो फूलती क्यों है वो भी हम बात करेंगे। तो मैंने बताया कि जो वेन्स होती हैं उनका काम क्या होता है कि ब्लड को यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाना। अब सोचिए, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, एक ग्रेविटी होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण, हम जो भी कुछ ऊपर लेके जाते हैं तो उसके लिए कुछ फोर्स चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि जो ब्लड ऊपर जा रहा है वो वापस नीचे ना आए, ठीक है, मतलब बैक फ्लो ना हो, नीचे की तरफ वो ब्लड ना आए। तो उसके लिए इसके अंदर क्या होते हैं, वॉल प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो ब्लड एक बार ऊपर गया वो ऊपर ही जाए, नीचे ना जाए। तो इनमें क्या हो जाता है कि जो ब्लड है वो बैक फ्लो हो जाता है, नीचे आने लग जाता है। अब क्यों होगा, क्योंकि कुछ लोगों में क्या होता है कि जो वॉल होते हैं, जो उसके अंदर के साइड में जो वॉल लगे हुए होते हैं वो खराब हो जाते हैं। जब वॉल खराब हो जाएंगे तो बैक फ्लो होगा ब्लड का एंड क्या कैसा दिखाई देगा, जैसे कि इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मोटी मोटी सी हो जाएंगी। जो वेन्स हैं आप देखिए इस पिक्चर में, देखिए जो मैं आपको साइड में दिखा रही हूं, इस तरीके से एक गुच्छे जैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये ऐसी बहुत ही मोटी मोटी सी वेन्स हो जाती हैं। तो इसी को बोलते हैं वेरिकोसील। ये होता क्यों है, कारण क्या है कि कुछ लोगों में ये जन्मजात भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक भी हो सकता है, किसी की वॉल कमजोर हो, ठीक है, तो ये मतलब वॉल खराब होने की वजह से ही ऐसा मेनली होता है। इनके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि एक तो मैंने बताया कि वाल्व खराब हो जाते हैं, जो वेन्स हैं इनके, इस वजह से हो जाता है। और भी कारण होते हैं, जैसे कि कोई बहुत लंबे टाइम के लिए खड़े रहता है और कंटिन्यू ऐसे चलता रहता है, तो उन लोगों में भी देखा गया है कि ये वेरिकोसील होने की संभावना मिलती है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, किसी को चोट लगी हो तो उसकी वजह से भी ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई हो वेन्स में, तो ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से ऐसा हो जाता है। अब हम समझते हैं इनका डायग्नोसिस क्या होता है, मतलब इसकी जांच कैसे करवाई जा सकती है। तो जांच करवाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइन क्या होते हैं, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं।
तो मेनली यंग एज में तो ये देखा जाता है कि अगर बहुत जल्दी किसी को डायग्नोस करना है तो जो टेस्टिस होती हैं एक छोटी एक बड़ी हो जाती है, मतलब जो टेस्टिस का जो साइज है वो वेरी करेगा, जिसके जो जिस साइड में वेरिकोसील है वो मतलब क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, वो जो टेस्टिस है ये टेस्टिस ये श्रिंक हो जाती है, ठीक है। तो उसका साइज डिफर कर जाएगा, एक नॉर्मल होगी एक श्रिंक हो गई होगी, तो इसका मतलब उसको वेरिकोसील है। इसके भी ग्रेडिंग होती है 0 to 5 इस तरीके से, मतलब एडवांस स्टेज पे पहुंच जाती है तो इजीली डायग्नोस हो जाती है। तो इसलिए शुरुआत में यही पता चल जाता है कि एक अगर टेस्टिस छोटी है, ठीक है, और दूसरा जो बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको वेरिकोसील हो सकता है, ठीक है। और क्या है कि इसकी वजह से अगर ऐसा हो गया है तो जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है, जो मेल हार्मोन है, उसमें कमी आ जाती है या फिर वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब ना के बराबर हो जाता है। इस वजह से भी मतलब जब टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है, किसी किसी में इनफर्टिलिटी का इश्यू आ जाता है तो डायग्नोस करवाते हैं, मतलब ये सिम्टम दिखाई देते हैं कि वो जो मेल है वो फादर नहीं बन पा रहा है, इसलिए मतलब इनफर्टिलिटी उसी को बोलते हैं। तो इस वजह से भी उसको चेकअप करवाने के लिए जाना पड़ता है कि मतलब ये क्या कारण है, और तब पता चलता है कि उसको वेरिकोसील है, ओके। और इसका सिम्टम हो सकता है इनवॉलंटरी इजैकुलेशन, मतलब क्या हुआ कि जो मेल है जब वो चाहता है कि इजैकुलेट करे, मतलब जो सीमन है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाले, ठीक है, उसी टाइम निकालता है, बट अगर ऐसा हो जाता है, किसी को वेरिकोसील है तो बहुत कम है, बट ऐसा हो जाता है कि उसको मतलब इनवॉलंटरी एक्शन होता है, मतलब उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं अपने आप भी इजैकुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक है इसमें, एंड एक और आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो ये भी एक इसका ही सिम्टम माना जाता है, बट बहुत रेयर ये सिम्टम्स आते हैं। एक मैंने बताया साइज वेरी कर जाता है, तो ये सिम्टम्स हैं। अब हम जानते हैं कि इसके डायग्नोसिस क्या है, तो इसका सेल्फ डायग्नोसिस भी करवाया जा सकता है, मतलब जांच के हम खुद भी जांच कर सकते हैं कि अगर टेस्टिस जो है मेल की वो अगर छोटी है, एक छोटी बड़ी है, तो उसको एक बार जांच के लिए खुद से जाना चाहिए डॉक्टर के पास। दूसरा क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर थोड़ा ज्यादा हो गया है जो वेरिकोसील है, मतलब ये वेन्स जो है वो मोटी मोटी सी हो गई है, तो यहाँ पे बिल्कुल स्लिपरी सी स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी, समझ रहे हो, कि जैसे ये स्क्रोटम है, ठीक है, एक टेस्टिस होगी, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि जो टेस्टिस है उससे थोड़ा ऊपर क्या दिखाई देगा कि जो कीड़े जैसे स्ट्रक्चर्स समझ में आएंगी, जैसे कि बहुत ही स्लिपरी सी धागे जैसी यहाँ पे ये वेन्स समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं, मतलब महसूस होती हैं, दिखाई तो नहीं देंगी, महसूस होंगी कि यहाँ पे कुछ ऐसा है, ओके। तो ये खुद का डायग्नोसिस हो गया, खुद भी डायग्नोस कर सकते हैं इस चीज को। अब इसको डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं, तो डॉक्टर भी इसको फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी देख सकते हैं कि एक जो टेस्टिस है वो बड़ी है, एक छोटी है, ठीक है, वो श्रिंक हो जाएगी अगर जिसको जहां पे वेरिकोसील है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं, या फिर उनको ये जो स्क्रोटम है इसके अंदर टेस्टिस से ऊपर ये वर्म लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी तो वो समझ जाएंगे कि इनको वेरिकोसील है। और भी टेक्निक हैं जैसे कि डॉपलर स्टडी, मतलब जो डॉपलर है उसके थ्रू ये देखा जाता है कि जो ब्लड का फ्लो है वो कहाँ हो रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि जो ब्लड का फ्लो है, जो ब्लड रन कर रहा है, वो स्क्रोटम की साइड में ज्यादा कर रहा है, तो इसका मतलब ये पता चलेगा कि कहाँ कर रहा है, उसको पोजिशन भी पता चल जाएगी, टेस्टिस से ऊपर है तो मतलब क्या हो रहा है, वेरिकोसील है। और अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी इजीली पता लगाया जा सकता है कि इनको वेरिकोसील है। अब हम जानते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, ट्रीटमेंट में देखिए एक तो हो सकती है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं कि यहां से जैसे ये होती है, इनको कट कर दिया जाता है, जितनी भी वेन्स है ना स्क्रोटम वाले रीजन में, ग्रोइन रीजन में, तो इनको कट कर दिया जाएगा, कट करके इनको बांध दिया जाएगा, ठीक है, स्टिच कर दिया जाएगा, यहाँ पे इनको बांध दिया जाएगा। इसी तरीके से सभी वेन्स को कट करके एंड उनको बांध दिया जाता है। और एक और टेक्निक है जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही अच्छी है। अब जो सर्जरी है, अगर सर्जरी करवाते हैं तो उसका रिकरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब हो सकता है कि डॉक्टर से कोई वेन छूट जाए और दोबारा से वेरिकोसील हो जाए, तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और यहाँ पे कट भी लगाना पड़ता है, ठीक है, स्टिचेस भी आते हैं, स्कार्स भी हो जाते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा सही नहीं है सर्जरी करवाना। अगर सर्जरी नहीं तो दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो है एम्बोलाइजेशन। अब एम्बोलाइजेशन क्या है, ये बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही अच्छी टेक्निक इसको माना गया है सर्जरी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें जो रिकरेंस रेट है मतलब वो भी बहुत कम है, 1% के 2% है, किसी किसी जो पेशेंट है उनमें वापस से वेरिकोसील हो जाती है, नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखा गया है। तो इस टेक्निक में करते क्या है,
देखिए इस टेक्निक में क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन का ही यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई कट नहीं लगता, बहुत ज्यादा पेन नहीं होता, एनेस्थेसिया की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें कोई कट लगाना ही नहीं है और इसमें 24 आवर्स में जो पेशेंट है वो अपने घर जा सकता है, नॉर्मल अपना काम कर सकता है। तो इसमें करते क्या है कि जो वेन होती है, वेन के थ्रू क्या करते हैं, कोइल को इंसर्ट किया जाता है, जैसे कि पहले इंजेक्शन के जैसा वहां पे जो वेन है उसको पंक्चर किया जाता है एंड वहां से क्या करते हैं, एक कैथेटर डालते हैं, एक पतली सी ट्यूब होती है, उसके अंदर जो कॉइल होती है, ठीक है, उसको डाला जाता है। तो इन वेन्स के अंदर उस कॉइल को फंसा दिया जाता है जिससे कि जो ब्लड का जो बैक जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो बहुत सारे वीडियोस आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, उनको देखिए कि किस तरीके से ये किया जाता है। इसमें कोई कट नहीं लगता, इसमें दोबारा जो चांसेस हैं होने के वो भी बहुत कम होते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। सो आई होप आज के वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। अगर इसमें कुछ आपको सुधार चाहिए, कोई सजेशन है तो उसको भी लिख दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हमें बात करनी है हाइड्रोसील क्या होता है। तो हाइड्रोसील का मतलब है कि इसके चारों तरफ पानी भर जाना, तो वो क्या होता है, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।